नमस्कार, सुप्रभात द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर रचना रॉय उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में फिर नन्हे प्यारे बेटे को कविता के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग नन्हे प्यारे बेटे के कवि विनोद कुमार शुक्ल की जीवनी देखे थे, इस वीडियो में हम लोग कविता का भावार्थ देखेंगे। क्योंकि कविता काफ़ी लंबी है तो हम इसको दो पार्ट में करके फिर देखेंगे इसका भावार्थ। और कुछ शब्द निधि मैं यहाँ पे लिख दी हूँ जो कि आवश्यकता अनुसार आपको मैं दिखला दूंगी। वैसे इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो जिससे आप बड़ी भांति परिचित हैं, कुछ ही एक दो वर्ड ऐसे हैं, एक दो शब्द जो आपकी समझ में नहीं आएगा। यह कविता काफी सहज भाषा में लिखी गई है। कविता इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले एक आदमी है जो अपने छोटे से बेटे को अपने कंधे पे बिठाए हुए हैं और अपनी बिटिया छोटी ही है उससे कुछ हाथ पकड़ के उसको कौतुकपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। और इसमें लोहे की बात की गई है। लोहे की बात इस भाव के साथ किया गया है कि जबकि लोहा एक ठोस है फिर भी मानव जीवन में के हरेक पहलू में हरेक कार्य में इस तरह से समाया हुआ है। ये लोहे के बारे में है इसमें। तो आप ये देखिए, कविता का शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। और कविता इस प्रकार है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना। यह जो कवि हैं उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है जब बच्चे को आप कंधे पर बैठा लेते हैं तो आपसे भी बड़ी उसकी लंबाई होती है। तो बच्चा बोलता है कि अब मैं दादा से भी बड़ा हो गया। तो ऐसा बच्चों के मुख से ऐसी बात सुनकर कवि को अच्छा लगता है। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। कवि सोच रहे हैं कि अपनी प्यारी बिटिया से मैं ये पूछूंगा कि लोहा कहाँ कहाँ है। यह एक कौतुकपूर्ण प्रश्न है जो कवि अपनी प्यारी बिटिया से पूछना चाह रहे हैं। बिटिया छोटी सी है, तेज है और आसपास की चीजों में कहाँ कहाँ लोहा है वह बतलाती है। चिमटा कड़कुल सिगरी शमसी दरवाजे की साकल कब्जे खीला दरवाजे में धसा हुआ वह बोलेगी झटपट। कवि को ऐसा लगता है कि मेरी बिटिया जो है बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, इसलिए वह जल्दी जल्दी क्या क्या बताएगी। चिमटा जो खाना बनाते समय पकड़ने में इस्तेमाल होता है। कड़कुल का मतलब कलछी, जो स्पून का बड़ा आकार सोचिए, चम्मच का बड़ा आकार जिसका इस्तेमाल हम खाना को सर्व करने में परोसने में करते हैं। सिगरी शमसी दरवाजे की साकल का सिगरी का मतलब देखिए जंजीर, लोहे की कड़ाही होती है। और शमसी का मतलब सरसी होता है, वो भी पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। कड़ाही वगैरह जो रहता है पतीला उसको उतारने के लिए सरसी का इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे की साकल, पुराने जमाने में दरवाजे में इस तरह से कुंडी नहीं होती थी, एक चेन नुमा लोहे का बना हुआ होता था जिसको साकल कहा जाता था और उसको एक अंगूठी के आकार की निकली चीजों में फंसा कर लॉक किया जाता था। कब्जे जो दरवाजा को चौखट के साथ जोड़ता है उसको कब्जा बोला जाता है। खीला मोटी कांटी, देखिए खीला मोटी कांटी लोहे का कांटा, तो खीला का मतलब मोटी वाली कांटी जो दरवाजे में दिया हुआ रहता है, मोटी मोटी कांटियाँ। वह झटपट बोलेगी, ऐसा जवाब उनकी बेटी देगी, ऐसा लेकर समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है। फिर देखिए, रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। फिर कभी सोचते हैं कि इतना बताने के बाद मेरी बेटी कुछ देर रुकेगी और फिर अपने स्मरण शक्ति से देखेगी कि क्या क्या आसपास में और क्या क्या लोहा हो सकता है, तब उसको याद आएगा
कि दो लकड़ी के खंभों के बीच एक पतली सी तार बंधी हुई है जिसका इस्तेमाल कपड़ा सुखाने के लिए किया जाता है। तो मेरी बेटी को याद आ जाएगा कि दो लकड़ी के खंभों के बीच एक तार बंधा हुआ है और जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है। फिर वो अपने दिमाग पे और थोड़ा जोर डालेगी तो उसको याद आएगा कि सेफ्टी पिन और फिर पूरी की पूरी साइकिल जो है वो लोहे की बनी हुई है, अर्थात इसमें लोहे के उपयोग के बारे में कभी बात कर रहे हैं अपने छोटे छोटी बच्ची से, बेटी से। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी वह जान जाए आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। कभी अपने बेटिया के बारे में बताते हैं कि मेरी बेटिया दुबली पतली है पर हरकत में तेजी है, तेज तर्रार है, होशियार है, स्मार्ट है। उनको लगता है कि वो जल्दी जल्दी सोचना शुरू करेगी कि और आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। फिर बोलते हैं कि अब जब वो नहीं बता पाएगी तो मैं याद दिलाऊंगा। क्या याद दिलाएंगे लेखक? कभी मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसूला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। तब कभी सोचते हैं कि मैं अपने बिटिया को बताऊंगा जो कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले चीज़ हैं, जैसे कि फावड़ा, कुदाली, वसूला, खुरपी और फिर बैलगाड़ी के जो बैलगाड़ी के पहिए के चारों तरफ एक लोहे का पट्टा होता है चौड़ा सा, जो कसा होता है उसके पहिए पे जिससे चलता है, और फिर बैलों के गले में जो घंटी होती है उसके अंदर जो छोटा सा जो घंटी में आकृति होती है गोल सा, वह भी होता है क्या? लोहे का बना होता है। कभी सोचते हैं कि मेरी बिटिया अगर नहीं बता पाएगी तो मैं कृषि कार्य में काम आने वाले लोहे के सामान के बारे में उसको बतलाऊंगा। तो ये काफ़ी लंबी कविता है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर बाकी बचे सेशंस के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। आशा करती हूँ कि आपको इतना पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा।